हेलो नमस्कार, मैं अंकु सोनी। वेलकम है आप सबका सतरूज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में, हमारे भारत देश की स्वर कोकिला कहलाई जाने वाली लता मंगेशकर, जो कि 6 फरवरी 2022 को अपने जीवन यात्रा को उन्होंने संपूर्ण किया। तो सबसे पहले हमारे सतरूज ऑनलाइन क्लासेस के परिवार की तरफ से लता मंगेशकर जी के लिए श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे लता मंगेशकर जी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ बातें जो कि हमारे आने वाले एग्जाम से संबंधित जो करंट अफेयर का पोर्शन है वहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी उन्हें अवार्ड्स मिले और उनके परिवार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी डिटेल है मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। एक छोटी सी वीडियो हम जो है समर्पित करते हैं लता मंगेशकर जी के लिए। और हम धन्य हैं कि हमारे भारत देश को एक ऐसी नारी मिली जो कि स्वर कोकिला कहलाई और जिन्होंने रंगमंच के लिए और गायकी के क्षेत्र में अपना जो है नाम कमाया देशों के अंदर। और ना ही इन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा को जाना, इन्होंने टोटल 20 से अधिक भाषाओं की ये जानकारी रखती थी, यानी कि टोटल 20 से अधिक भाषाओं की इन्हें जानकारी थी और उससे उन्हीं भाषाओं के इन्होंने अपने गीतों को भी नवाजा है। ठीक है, तो आज हम इनके जीवन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले और इनके परिवार के बारे में और किस तरह से इनका जीवन काल रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लता मंगेशकर जी जो कि कल 6 फरवरी 2022 को अपने जीवन यात्रा संपूर्ण की, तो इनका जो जीवन काल है वो है 1929 से लेकर के 2022 तक और टोटल इन्होंने 92 साल अपना जो है जीवन यापन किया। तो अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म तिथि है वो है 28 सितंबर 1929। कितनी है जी, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 6 फरवरी 2022 को और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल नामक जो एक अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहां पे इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होने का कारण क्या है कि इनकी जो मृत्यु है वो कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई, यानी कि कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो है उसी की वजह से जो है काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, क्योंकि काफी एज भी थी हमारी लता मंगेशकर जी, तो इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम है? दीनानाथ मंगेशकर। और इनकी माता जी का नाम था शेवंती मंगेशकर। क्या था जी? शेवंती मंगेशकर। और इनके पिताजी रंगमंच के कलाकार थे और गायक थे। देखो इनका जो बैकग्राउंड है वो थिएटर से ही संबंधित है, सिंगिंग से संबंधित है, तो इनके पिता भी क्या है, एक कलाकार थे और गायक थे। तो इसीलिए इनका जो भाई है हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर जी के भाई का नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। उनकी जो बहनें हैं कौन कौन सी, उषा मंगेशकर जी, मीना मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का नाम आपने सबने ही सुना होगा। तो इनके भाई का नाम है हृदयनाथ मंगेशकर, बहनों का नाम है उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले। सभी ने संगीत को ही अपनी जीविका बनाया। इसको सभी जो है अपने थिएटर के अंदर संगीत को ही इन्होंने अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम बनाया और काफी इन्होंने ख्याति प्राप्त की इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। पिताजी कौन थे? इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। तो जब लता मंगेशकर जी 13 वर्ष की थी, काफी छोटी उम्र की अवस्था के अंदर इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इसी वजह से इनके कंधों के ऊपर अपने परिवार के पालन पोषण का जो है भार आ पड़ा था। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म की पहली मंगला गौर, कौन सी इनकी पहली फिल्म थी, पहली मंगला गौर। याद रखने योग्य ये पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि लता मंगेशकर जी की पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी पहली मंगला गौर। और कब की? 1942 के अंदर। 1942 में ही इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पालन पोषण के लिए इन्होंने थिएटर में कदम रखा। वैसे इनका इंटरेस्ट तो था गायकी के अंदर था, तो पहली इनकी फिल्म आती है कौन सी, पहली मंगला गौर 1942 के अंदर। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें कि लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में जो है अपने गीत गा चुकी हैं। कितने? 20 से अधिक भाषाएं। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम आम लोगों को एक दो भाषाएं आती होती हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी जो है उन्होंने 20 भाषाओं के अंदर जो है अपनी महारत हासिल कर रखी थी। और इन्होंने लगभग 20 भाषाओं से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक जो है गाने गा चुकी हैं। कितने? 30,000 से भी अधिक गाने। देखिए एक तरह का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया होगा कि 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने इन्होंने गा लिए। तो लता जी एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी
जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंगिंग के फील्ड में लता मंगेशकर जी इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके जिनके नाम से जो है अवार्ड दिए जाते हैं। जब वो जीवित थी तब से इनके इनके नाम से अवार्ड दिए जा रहे हैं और वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। कैसे नंगे पांव? जो लता मंगेशकर जी हैं चाहे वो काफी एज होगी लेकिन फिर भी जब भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी या उन्होंने अपने गाने रिलीज किए तो उन्होंने हमेशा नंगे पांव अपने गानों को जो है गाया है। हो सकता है कि ये इनका जो वो पूजा करती होंगी अपने इस प्रोफेशन की, इसलिए वो नंगे पांव, जिस तरह हम लोग मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में नंगे पांव जाते हैं, तो इनके लिए एक भगवान स्वरूप इनकी जो है एक आजीविका थी, एक प्रोफेशन था गायकी, इसलिए ये अपने जो है नंगे पांव होकर के ही अपने गायकी को पूर्ण करती थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुरस्कार की कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो जो मेन पुरस्कार थे मैंने यहाँ पे नो डाउन कर दिए हैं, लेकिन इससे अलावा भी इनको सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं। कितने? सैकड़ों पुरस्कार से ज्यादा इनको जो है नवाजा जा चुका है। लेकिन यहाँ पे जो मेनली आपके एग्जाम से संबंधित है जो आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे नो डाउन कर रखे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 1969 के अंदर इनको पद्म भूषण मिलता है। कौन सा अवार्ड? पद्म भूषण मिलता है कब? 1969 के अंदर। ये सब डाटा जो है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद 1974 के अंदर इनको सर्वाधिक गानों का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी जो है रिकॉर्ड दर्ज है, यानी कि 1974 के अंदर इन्होंने जो है गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड बना लिया था कि सबसे ज्यादा गाने गाए जाने वाली गायिका कौन थी। लता मंगेशकर जी 1974 के अंदर गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। उसके बाद 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था। कौन सा? दादा साहेब फाल्के, जो कि थिएटर के वर्ल्ड के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के 1989 में। इसके बाद 1997 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार से नवाजा गया। कौन से पुरस्कार से? राजीव गांधी पुरस्कार 1997 में। तो उसके बाद 1999 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 1969 में इनको मिलता है पद्म भूषण और 1999 में मिलता है पद्म विभूषण। ठीक है जी, उसके बाद 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है हमारा भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है, तो इसलिए देखिए कि इनको जो है ये मेनली जो है अवार्ड दिए गए। इसके अलावा भी इनको काफी जो है फिल्म फेयर अवार्ड या फिर जो अलग अलग जो है फिल्म के जो फंक्शंस होते रहते हैं, फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो उसके अंदर भी इनको जो है टाइम टू टाइम काफी अवार्ड्स मिले हैं। सैकड़ों ऐसे अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे वो अवार्ड्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, पद्म भूषण या फिर गिनीज बुक रिकॉर्ड, दादा साहेब फाल्के, राजीव गांधी, भारत रत्न। ठीक है, तो आपको ये डाटा जो है याद रखना चाहिए लता मंगेशकर जी के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे मेन जो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब मिला था, 2001 में, उसके अलावा इन अवार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, तो देखिए काफी जो है संघर्षपूर्ण जीवन रहा था जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था, क्योंकि तभी 13 वर्ष की आयु में इनके कंधों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी। तो तभी इन्होंने जो है अपने थिएटर के अंदर कदम रखे और थिएटर के बाद इन्होंने काफी टाइम तो जो है थिएटर किया, फिल्में की, अभिनय किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये स्टैंड हो गई तो उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है गायकी के ऊपर किया था और काफी इन्होंने हिट्स गाने दिए। देखा आपने 30,000 से अधिक गाने इन्होंने जो है गाए हैं और 20 से अधिक भाषाओं के अंदर। बहुत ही उत्तम, बहुत ही ज्यादा जो है जबरदस्त इन्होंने काम किया थिएटर के वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने नाम कमाया और आज इन्हें पूरी की पूरी दुनिया जानती है। और इन्हीं के साथ इनके जीवन के जीवन यात्रा संपूर्ण होने के बाद जो है हमारे देश और विदेशों के अंदर काफी शोक की जो है एक लगी हुई है मुहिम पर। लेकिन कहना चाहूंगा कि जो जीवन है और मृत्यु, ये जो है प्रकृति का नियम है कि जो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन डिपेंड करता है कि जन्म होने के बाद आपने ऐसा क्या काम किए कि मृत्यु के बाद भी लोग आपको पढ़ सके, मृत्यु के बाद भी लोग आपके बारे में पढ़े, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। ठीक है, तो ऐसे क्रम
जो है वो कुछ ही लोग करते हैं, उनमें से एक है लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने खुद का जो है नाम ऊंचा किया। तो आई होप यही दुआ मैं, यही जो है आशा भी आप लोगों से करूंगा कि आप लोग भी पढ़ लिख करके जो है अपने परिवार का अपना नाम ऊंचा करेंगे, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और जानकारी पूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।